हिमाचल की राजनीति में तूफान मचाने वाले सीडी मामलों को लेकर कांग्रेस के नेता बचाव की मुद्रा में आ गए हैं। जी हां, परिवहन मंत्री जीएस बाली ने कौल सिंह ठाकुर को सलाह दी है कि वह सीडी मामले को खत्म करें। साथ ही बाली ने परिवहन निगम के सस्ती कैंटीन शुरू करने की भी घोषणा की है। हिमाचल की राजनीति में तूफान मचाने वाली सीडी मामले को लेकर कांग्रेस के नेता बचाव की मुद्रा में आ गए हैं। हाल ही में आई विवादित ऑडियो सीडी को लेकर कांग्रेस नेता कौल सिंह ठाकुर ने खुलकर अपनी ही सरकार और कुछ कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधा है। उधर परिवहन मंत्री जीएस बाली ने अब अपने सहयोगी मंत्री कौल सिंह को सलाह दी है कि वह सीडी मामले पर मिट्टी डालें। जो मुझे सुप्रीम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है वहाँ से क्लियर मैंडेट मिली और ये कहा कि आप जाए तो दावा करें, ये है ना, तो मैं पूरा क्लियर साफ सुथरा होकर के आया। मेरी एज ए फ्रेंड, एज ए मित्र, एज ए कुलीग उनको ये सलाह दूंगा कि इसको छोड़ो, स्यापे को जाने दो जो हो गया है ना, इसको मिट्टी डालो सारे को, है ना, ये सलाह दूंगा मैं जाके। परिवहन मंत्रालय की उपलब्धियों को लेकर पत्रकारों से रूबरू हुए बाली ने कहा कि परिवहन निगम में बस के कंडक्टर और ड्राइवरों की भारी कमी है जिसे जल्द ही पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हाल ही में जो JNRUM के तहत 300 बसें परिवहन बेड़े में शामिल हुई हैं, उन्हें नई भर्ती को लेकर हाईकोर्ट के फैसले के चलते सुचारू रूप से नहीं चला पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस कमी के चलते परिवहन निगम को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। 1 जुलाई से उन्होंने कहा है कि हम 8 घंटे का काम करेंगे। हमने उसके मद्देनजर ऑनरेबल हाईकोर्ट में रिव्यू याचिका डाली है कि ये सारी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमें जो कंडक्टरों का जो है उसके ऊपर फाइनल डिसीजन दें ताकि हम उस हिसाब से, और 500 ड्राइवर रखने की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक बात है कि ओवर स्ट्रेस्ड है। इसको लेके मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखने वाला हूँ कि सारा स्टाफ जो ओवर स्ट्रेस्ड है, इसके ऊपर जल्दी से जल्दी कोई फैसला हमें लेना पड़ेगा, जो भी फैसला ले। बाली के अनुसार परिवहन निगम जल्द ही अपनी सस्ती कैंटीन शुरू करने जा रहा है जो नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर निगम के मुख्य बस अड्डों पर शुरू होगा। शिमला से विशाल ठाकुर के साथ कौमिता मिन्हास, डे एंड नाइट न्यूज। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।